गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पर वीडियो। देखिए, हम चैप्टर 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण विकास की प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे, और इस लेसन के जो पहले वीडियोज हैं उनके अंदर हमने आवृत बीजी पादपों के अंदर होने वाली जो परागण की प्रक्रिया है उसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। परागण प्रक्रिया जो है वो इन आवृत बीजी पादपों में निषेचन क्रिया से पूर्व होने वाली एक क्रिया है, जिसमें किसी पुष्प के परागकोष के अंदर उपस्थित रहने वाले पराग कण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागण के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, और इसके बाद में जब परागण प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद के अंदर उपस्थित रहने वाले नर युग्मक और मादा युग्मकोद्भिद के अंदर उपस्थित रहने वाले जो मादा युग्मक हैं उनके अब संलयन की प्रक्रिया होनी है। संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, लेकिन यदि अगर हम इससे पहले की जो क्रियाएं हैं, जब स्थिति यदि अगर हम इन आवृत बीजी पादपों के अंदर परागण क्रिया के पश्चात इनकी स्थिति को देखते हैं, तो अभी तक नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में दूरियां हैं। इनके एक दूसरे के पास आने पर ही इन पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। परागण क्रिया के पश्चात हमने एक छोटे से टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन किया था, और वह अध्ययन था अपने पास में पराग कण का अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि। पराग कण का अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि के फलस्वरूप पराग कण दूसरी बार अंकुरित होता है पुष्प की वर्तिकाग्र पर, और इस पराग कण की अंतः चोल बाह्य चोल पर स्थित जनन छिद्र से होती हुई एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हमने क्या कहा था, पराग नलिका कहा है, पोलन ट्यूब कहा है। पराग नलिका जब निर्मित होती है तो इस पराग नलिका के अंदर सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक जो है वो प्रवेश करता है, और नलिका केंद्रक के रूप में यह उपस्थित होता है। जनन कोशिका के अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नरयुग्मकों का निर्माण होता है, और निर्मित होने वाले दोनों नरयुग्मक जो है वो भी किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पराग नलिका जायांग के वर्तिकाग्र वाले भाग को भेदती हुई कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, भीतर की ओर प्रवेश कर जाती है। अब इस पराग नलिका की वृद्धि या इस निर्मित होने वाली जो पराग नलिका है उसको मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा किसके द्वारा, वर्तिका के द्वारा। जब हम एक स्त्री केसर के अंतर्गत उपस्थित रहने वाला जो वर्तिका वाला भाग है, एक नलिकीय भाग है, उसके कार्य को देखते हैं, तो उसका कार्य भी यही होता है कि यह विकसित होने वाली जो पराग नलिका है उसको यह मार्ग उपलब्ध कराता है। तो अगला जो आपके पास में टॉपिक होगा वह होगा पराग नलिका की वृद्धि अथवा पराग नलिका का मार्ग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, पराग नलिका की वृद्धि या इसे हम कह सकते हैं पराग नलिका का मार्ग, पराग नलिका का मार्ग, ठीक है ना, कि किस प्रकार से पराग नलिका जो है इसको वर्तिका वाले भाग द्वारा मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा, और किस प्रकार यह पराग नलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय के अंदर उपस्थित रहने वाले बीजांड द्वार तक यह पहुंच जाती है। तो पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का जो मार्ग है यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का मार्ग वर्तिका
स्टाइल वाला जो भाग है उसके ऊपर यह निर्भर करेगा। वर्ती का यदि अगर हम देखते हैं तो यह एक नलिकीय संरचना के रूप में उपस्थित रहने वाली क्या है, संरचना है। अब ये जो आपके पास में वर्तिका वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र और नीचे की ओर उपस्थित रहने वाली संरचना अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर किसकी उपस्थिति है, अंडाशय के अंदर बीजांड की उपस्थिति है, ये बीजांड वाली संरचना। इससे पहले की क्रिया जो हमने देखी थी उसके अंदर परागकण का अंकुरण हुआ है और परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप ये संरचना जो है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में विकसित हुई थी, जिसमें सबसे नीचे की ओर या प्रवेश करने वाला नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक और उसके बाद में प्रवेश करने वाले दो नर युग्मक, नर युग्मक, ठीक है। अब इस पराग नलिका की वृद्धि यहाँ पर होनी है और इस पराग नलिका को ये आपके पास में स्त्री केसर का वर्तिका वाला भाग है और इस वर्तिका वाले भाग द्वारा इस पराग नलिका को अब यहाँ पर मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्मित होने वाली जो पराग नलिका है, यह पराग नलिका इस वर्तिका से होती हुई अंडाशय के अंदर प्रवेश करेगी और अंडाशय के बाद यह इस बीजांड के बीजांड द्वार तक पहुँच जाएगी और इस बीजांड द्वार वाले भाग से यह पराग नलिका इस बीजांड के अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इस पराग नलिका को वर्तिका के द्वारा जब यहाँ पर मार्ग उपलब्ध कराया जाता है तो मार्ग उपलब्ध कराने के दौरान इस वर्तिका की स्थिति को देखा जाता है कि किन पादपों के अंदर ये वर्तिका जो है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो यदि अगर हम यहाँ पर इस वर्तिका की स्थिति को देखें, वर्तिका की स्थिति को यदि अगर अपन देखें तो अधिकांश जो पादप होते हैं, अधिकांश पादप होते हैं, इन अधिकांश पादपों में वर्तिका जो है वो सामान्यतः कैसी होती है, ठोस होती है। सामान्यतः कैसी होती है, ठोस होती है। तो मतलब ये वर्तिका वाला जो भाग है यदि अगर हम इसकी स्थिति को देखें तो अधिकांश पुष्पों के अंदर ये वर्तिका ठोस होती है और इस वर्तिका के केंद्रीय भाग में, इस वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित रहने वाला जो ऊतक होता है, केंद्रीय भाग में उपस्थित रहने वाला जो ऊतक होता है उस ऊतक को एक एंजाइम होता है पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंजाइम, उस एंजाइम द्वारा इस ऊतक को क्या कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है या इसे तोड़ दिया जाता है। यदि अगर मान करके चलिए ये नलिका का मार्ग, वर्तिका का मार्ग फिलहाल कैसा है, ठोस है। वर्तिका किस प्रकार की स्वभाव वाली है, ठोस स्वभाव वाली है और यह इसके केंद्रीय भाग में एक ऊतक पाया जाता है जिसकी वजह से इसका मार्ग जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध रहता है। लेकिन इस पराग नलिका को इस वर्तिका के द्वारा मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो पेक्टिनेज एंजाइम होता है, यह पेक्टिनेज एंजाइम केंद्रीय भाग में उपस्थित रहने वाले इस ऊतक को क्या कर देती है, विघटन कर देती है और विघटन के फलस्वरूप इस पराग नलिका को अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए या वृद्धि करने के लिए आसानी से क्या उपलब्ध हो जाता है, मार्ग उपलब्ध हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका के मार्ग को देखते हैं तो अधिकांश पादपों की वर्तिका जो है वो सामान्यतः ठोस होती है और इस वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित
इस वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित ऊतक को किसके द्वारा? पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है, जिससे पराग नलिका को क्या उपलब्ध हो जाता है? मार्ग उपलब्ध हो जाता है, जिससे पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन है पहले नंबर की, जो सामान्यतः किसके अंदर पाई जाती है? अधिकांश पादपों के अंदर पाई जाती है। लेकिन यदि अगर हम कौन से पादप की बात करें, यदि अगर हम लीलियम पादप की यदि अगर अपन बात करें, लीलियम जो पादप है, इस लीलियम पादप के पुष्प की वर्तिका की यदि अगर हम बात करें, तो इस पुष्प की वर्तिका सामान्यतः कैसी होती है? खोखली होती है। और साथ ही साथ इस वर्तिका की जो गुहा होती है, खोखली जो गुहा होती है, इस खोखली गुहा के अंदर श्लेष्मिक पदार्थ उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? श्लेष्मिक पदार्थ उपस्थित होता है। और यही श्लेष्मिक पदार्थ किसको आकर्षित करता है? पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। पराग नलिका को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की आपके पास में कंडीशन है। किसके अंदर? लीलियम पादप के अंदर हम इस प्रकार की कंडीशन को देख सकते हैं, जिसमें वर्तिका सामान्यतः, ये जो वर्तिका वाला भाग है, यह सामान्यतः किस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित है? एक खोखली गुहा के रूप में यह उपस्थित है। लेकिन इस खोखली गुहा के अंदर कौन सा पदार्थ पाया गया है? श्लेष्मिक पदार्थ यहाँ पर उपस्थित होता है। और ये श्लेष्मिक पदार्थ जो है वो इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे पराग नलिका को इस वर्तिका के अंदर आसानी से मार्ग उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लीलियम पादप के अंदर भी हम पराग नलिका के मार्ग की प्रक्रिया को देख सकते हैं, जो वर्तिका के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके अतिरिक्त यदि अगर हम तीसरे नंबर की कंडीशंस और होती है, एक होता है अपने पास में ऑर्निथोरा, एक पादप होता है ऑर्निथोरा, और उस पादप के अंदर उपस्थित रहने वाली वर्तिका को यदि अगर हम देखें, तो इसकी वर्तिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। जैसे ये वर्तिका और इस वर्तिका के अंदर मध्य मध्य में क्या पाए जाएंगे? इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और ये पराग नलिका इन अंतराकोशिकीय अवकाशों से होती हुई कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? अंडाशय के अंदर प्रवेश करती हुई बीजांड तक यह पहुँच जाती है। तो ऑर्निथोरा वगैरह जो पादप होता है, उनके अंदर उपस्थित रहने वाली जो वर्तिका होती है, उनके अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जो किसको मार्ग उपलब्ध कराते हैं? पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध कराते हैं। पराग नलिका को क्या उपलब्ध कराते हैं? मार्ग उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से इन पादपों के अंदर हम पराग नलिका की वृद्धि को या पराग नलिका के मार्ग को देख सकते हैं। तो तीन प्रकार के उदाहरण जो है वो हमने यहाँ पर देखे हैं। तीन प्रकार के उदाहरणों के अंतर्गत सबसे पहले जो यदि अगर हम देखें, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन पराग नलिका का मार्ग। तो पराग नलिका का मार्ग जो है वो सामान्यतः किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पुष्प की वर्तिका पर डिपेंड करेगा, स्टाइल वाले भाग पर यह डिपेंड करेगा, इसकी स्थिति और इसकी संरचना के ऊपर यह डिपेंड करेगा। अधिकांश पुष्पीय पादपों की यदि अगर अपन बात करते हैं, तो इनकी वर्तिका जो है वो सामान्यतः कैसी होती है? ठोस होती है।
और इनके केंद्रीय भाग के अंदर उपस्थित रहने वाले ऊतक का पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा विघटन कर दिया जाता है, जिससे पराग नलिका को इस वर्तिका के अंदर आसानी से मार्ग उपलब्ध हो जाता है। सेकेंड नंबर पर लिलियम पादप की यदि अगर अपन बात करें तो उनके अंदर उपस्थित रहने वाली जो वर्तिका होती है वह सामान्यतः खोखली होती है और उस खोखली गुहा के अंदर श्लेष्मिक पदार्थ उपस्थित होता है जो आने वाली पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है और पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध करा देता है। ऑर्निथोरा एक पादप है जिसकी यदि अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित रहने वाली जो वर्तिका होती है उनके अंदर अंतराकोश के अवकाश पाए जाते हैं और इन अंतराकोश के अवकाशों से पराग नलिका कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, भीतर की ओर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से पराग नलिका को यहाँ पर मार्ग उपलब्ध हो जाता है। तो ये है आपके पास में पराग नलिका का मार्ग या पराग नलिका की वृद्धि। अब जब पराग नलिका की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जब पराग नलिका की वृद्धि यहाँ पर हुई है तो पराग नलिका की वृद्धि के दौरान पराग नलिका कौन से भाग से प्रवेश कर रही है, सबसे पहले वर्तिका से कहाँ पर, अंडाशय, और फिर अंडाशय के बाद में ये किसके अंदर प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर ये प्रवेश करेगी। और इन भागों के अंदर इस पराग नलिका का प्रवेश जो है वो इन भागों के अंदर उपस्थित रहने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है उसके ऊपर इसका प्रवेश क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पराग नलिका का प्रवेश जो है या पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का मार्ग जो है वो वर्तिका से किसकी ओर, बीजांड की ओर एक दिशीय रूप में होता है एवं किसके ऊपर निर्भर करता है, रासायनिक पदार्थों पर निर्भर करता है, एवं यह किस प्रकार का होता है, रसायनुवर्ती प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, रसायनुवर्ती प्रकार का होता है। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पराग नलिका का वर्तिका से बीजांड में प्रवेश किस प्रकार का होता है। तो आप यहां पर आंसर लिख सकते हो, किस प्रकार का, रसायनुवर्ती प्रकार का, एवं कैसा होता है, एक दिशीय रूप में होता है। एक दिशीय रूप में ही है, वर्तिका से कहाँ पर, अंडाशय, ये अंडाशय वाला भाग आ गया, और अंडाशय के अंदर क्या, बीजांड। तो ये नलिका जो है पराग नलिका ये एक दिशीय रूप में वर्तिका से अंडाशय और अंडाशय से कहाँ पर प्रवेश कर रही है, बीजांड के अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो इस पराग नलिका का वर्तिका से बीजांड में प्रवेश जो है वो रसायनुवर्ती प्रकार का होता है एवं एक दिशीय रूप में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, पराग नलिका की वृद्धि या पराग नलिका का मार्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पर देखते हैं
पराग नलिका का किसके अंदर प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। नेक्स्ट टॉपिक है, नोट कीजिए। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है ना। अब पराग नलिका जो है वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है? तो देखिए, पराग नलिका ये जायांग वाला भाग, इस जायांग के अंदर ये उपस्थित रहने वाला बीजांड वाला भाग, बीजांड पराग नलिका जो है यह पराग नलिका वृद्धि करती हुई कहाँ तक प्रवेश कर चुकी है? बीजांड द्वार तक प्रवेश कर चुकी है। पराग नलिका पूरी तरीके से क्या कर चुकी है? वृद्धि कर चुकी है। ये पराग नलिका आ रही है, पराग नलिका वर्तिका, वर्तिका से होती हुई कहाँ पर? अंडाशय, और अंडाशय के बाद में अब इस वर्तिका को, इस पराग नलिका को कहाँ पर प्रवेश करना है? इस बीजांड के अंदर की ओर प्रवेश करना है। तो ये आने वाली जो पराग नलिका है, इस पराग नलिका का इस बीजांड के अंदर प्रवेश जो है वो किस प्रकार का हो सकता है? तो अपने पास में टॉपिक है पराग नलिका का किस में प्रवेश? बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका बीजांड में तीन प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पराग नलिका बीजांड में कितने प्रकार से प्रवेश कर सकती है? तीन प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला होगा बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा होगा निभागी प्रवेश, और तीसरा होगा अध्यावरणीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश, ठीक है ना। तो पराग नलिका बीजांड के अंदर कितने माध्यमों से प्रवेश कर सकती है? तीन प्रकार से यहाँ पर प्रवेश कर सकती है। सबसे पहला है आपके पास में बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश मतलब जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती हो, बीजांड द्वार से क्या करती हो? प्रवेश करती हो। देखिए कैसे। तो ये मैं डायरेक्ट अंडाशय के अंदर उपस्थित रहने वाला बीजांड बना रहा हूं, ये बीजांड है, ठीक है। और ये कहां पर उपस्थित है? कहां पर उपस्थित है? अंडाशय के अंदर की ओर उपस्थित है। ये अंडाशय भी मैंने यहां पर बना दिया है, अंडाशय के अंदर उपस्थित है। अब आने वाली ये वर्तिका वाला भाग है ऊपर की ओर, और ये वर्तिका वाले भाग से ये पराग नलिका जो है, ये लाइन के रूप में मैं पराग नलिका को बना रहा हूँ। तो ये पराग नलिका वर्तिका से अंडाशय के अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब अंडाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद ये किसके अंदर प्रवेश करेगी? बीजांड में प्रवेश करेगी। लेकिन इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो है वो कौन से द्वार से हो रहा है? बीजांड द्वार से हो रहा है। तो ये आने वाली पराग नलिका अंडाशय के अंदर बीजांड के चारों ओर घूमती हुई, ये बीजांड का कौन सा सिरा है? बीजांड द्वारी वाला सिरा है। तो यह पराग नलिका इस बीजांड के अंदर कौन से सिरे से प्रवेश करेगी? बीजांड द्वारी वाले सिरे से प्रवेश करेगी। यदि अगर पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह किस प्रकार का प्रवेश कहलाएगा? बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाएगा। किसके अंदर देख सकते हो? अधिकांश पादपों में
पराग नलिका कौन से द्वार से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया पहला, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। पराग नलिका की वृद्धि के बाद हम इस पराग नलिका के बीजांड के अंदर प्रवेश होने की प्रक्रिया को देख रहे हैं कि ये जो वृद्धि करने वाली पराग नलिका है ये बीजांड के अंदर किस प्रकार से प्रवेश कर सकती है। तो सबसे पहले प्रवेश जो है वो हमने देखा है बीजांड द्वारी प्रवेश। पराग नलिका वृद्धि करती हुई वर्तिका, वर्तिका से अंडाशय, अब अंडाशय से यह किसके अंदर प्रवेश करनी चाहिए? बीजांड में प्रवेश करनी चाहिए। यदि अगर इस पराग नलिका, ये जो लाइन खींची है मैंने, ये पराग नलिका ही है, ठीक है ना, जिसको अपन ने एक लाइन के रूप में लिया है। यदि अगर ये पराग नलिका इस बीजांड के चारों ओर घूमती हुई इस बीजांड द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो यह क्या, कौन सा प्रवेश कहलाएगा? बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाएगा, जो किन के अंदर देखा जा सकता है? अधिकांश पादपों के अंदर देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश मतलब जब पराग नलिका, जब पराग नलिका बीजांड में निभागी सिरे से प्रवेश करे, निभागी सिरे से क्या करे? प्रवेश करे। अब पराग नलिका बीजांड में कौन से सिरे से प्रवेश करनी चाहिए? निभागी सिरे से प्रवेश करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको किसकी स्थिति पता होनी चाहिए? बीजांड के अंदर निभागी सिरा जो है वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास में बीजांड, और इस बीजांड के अंदर ये बीजांड, अब इस बीजांड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इस बीजांड का निभागी सिरा कौन सा है। तो बीजांड का निभागी सिरा, ये ऊपर वाला जो सिरा होता है वो इसका निभागी सिरा कहलाता है। जब हमने बीजांड की संरचना को देखा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ये वर्तिका है और ये इसका अंडाशय वाला भाग, ठीक है। अब पराग नलिका कौन से सिरे से प्रवेश कर रही है? निभागी सिरे से प्रवेश कर रही है। तो आने वाली जो पराग नलिका है ये पराग नलिका जो वर्तिका से अंडाशय के अंदर, और अब ये पराग नलिका इस कहाँ से? निभागी सिरे से ये कहाँ पर प्रवेश कर चुकी है? बीजांड के अंदर की ओर प्रवेश कर चुकी है। देखो ये ऊपरी सिरा पहले तो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो ये इधर से घूमती हुई नीचे से प्रवेश करेगी, लेकिन ये पराग नलिका जो है वो सीधे निभागी छोर से कहाँ पर प्रवेश कर चुकी है? इस बीजांड के अंदर की ओर प्रवेश कर चुकी है। यदि अगर इस प्रकार का प्रवेश यदि अगर होता है तो यह कहलाता है निभागी प्रवेश। किसके अंदर देखा जा सकता है? तो एग्जाम्पल के तौर पर केजू रायना के अंदर आप इस प्रकार के प्रवेश को देख सकते हो, जिसमें पराग नलिका जो है वो कौन से सिरे से प्रवेश करेगी? निभागी सिरे से प्रवेश करेगी। पराग नलिका कौन से सिरे से प्रवेश करेगी? निभागी सिरे से प्रवेश करेगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर का है अध्यावरणीय प्रवेश, और अध्यावरणीय प्रवेश के अंदर क्या होगा? जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण से क्या करती है? प्रवेश करती हो। बीजांड के अध्यावरण से क्या करती हो? प्रवेश करती हो। तो यह कौन सा प्रवेश होगा? अध्यावरणीय प्रवेश होगा। देखिए यहाँ पर ये बीजांड, और इस बीजांड के अंदर अब
आपको ये पता होना चाहिए कि बीजांड का अध्यावरण कहाँ पर है, तो ये बीजांड का यहाँ पर क्या है, अध्यावरण है, ये बीजांड का अध्यावरण है, अध्यावरण किसके अंदर उपस्थित है, अंडाशय के अंदर की ओर ये बीजांड उपस्थित है और ये ऊपर की ओर से आने वाली वर्तिका। अब इस बीजांड के अंदर पराग नलिका जो है वो कौन से सिरे से प्रवेश करनी चाहिए, बीजांड अध्यावरणीय भाग से प्रवेश करनी चाहिए। तो ये आने वाली पराग नलिका अंडाशय के अंदर प्रवेश कर चुकी है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड के चारों ओर घूम रही है और ये बीजांड का क्या आ गया, अध्यावरण आ गया। यदि अगर अब ये पराग नलिका इस अध्यावरणीय भाग से प्रवेश कर जाए तो ये कौन सा प्रवेश कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगा। ये अध्यावरण है और इस अध्यावरण से ये पराग नलिका कहाँ पर प्रवेश कर चुकी है, बीजांड में प्रवेश कर चुकी है। तो ये जो प्रवेश है यह कौन सा प्रवेश कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगा। और एग्जाम्पल इसका किसके अंदर देख सकते हो आप, कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप हैं, कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप हैं उनके अंदर पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करेगी, बीजांड के अध्यावरण से प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर हमने दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका की वृद्धि के पश्चात पराग नलिका जो है वो कहाँ पर प्रवेश करनी चाहिए, बीजांड में प्रवेश करनी चाहिए। अब इस पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो तीन प्रकार का हो सकता है। पहला, बीजांड द्वारी प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड के बीजांड द्वारी सिरे से क्या करती हो, प्रवेश करती हो, किसके अंदर, अधिकांश पादपों में। निभागी प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड, ये बीजांड और उसके निभागी सिरे से प्रवेश करती हो, एग्जाम्पल केजुराइना में। और अध्यावरणीय प्रवेश, जब पराग नलिका बीजांड के अध्यावरण से क्या करती हो, प्रवेश करती हो, एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, एक तो पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका का मार्ग जो वर्तिका के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश जो कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। तो ये था आपने पास में आज का वीडियो, आज का लेक्चर। फिर से दूसरे लेक्चर के अंदर हम लेकर के आएंगे इससे आगे की प्रक्रिया, तब तक देखते रहिए गुरुकुल साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।